प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता वाले वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट को महाराष्ट्र के जालना में 100 एकड़ जमीन देने के मामले में उद्धव सरकार घिर गई। आरोप है कि सरकार ने कम कीमत में जमीन देने के लिए वित्त और राजस्व विभाग की रिपोर्ट को भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मुद्दा तो यह है कि शरद पवार इस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है। फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार, कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट और एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल भी इस इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी हैं। मतलब जो नेता सरकार में मंत्री हैं, वो इस इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले में पूरी दाल काली बता रही है। बिल्कुल न के बराबर पैसे लेकर के ये जमीन देना, ये लोगों के साथ जो टैक्स पे रहे हो उनके साथ अन्याय है। वो वसंत दादा इंस्टीट्यूट के नाम से जिसके मालिक तालक सब एनसीपी के लोग है, अब जमीन की खिलाफत आगे आगे देखो होता है क्या। हालांकि एनसीपी ने बीजेपी के आरोपों से साफ इनकार कर दिया। वसंत दादा इंस्टीट्यूट को किराए पे जमीन दी गई है, अगर कोई उसमें गलत तरीके से प्रचार कर रहा है तो उचित नहीं है।